दोस्तों, जैसा कि आज सीबीएसई के प्यारे प्यारे क्लास 10th वाले बच्चों का साइंस का पेपर था, और प्यारे बच्चों, मैंने काफ़ी सारे बच्चों से साइंस का पेपर ख़त्म होने के बाद उनसे रिएक्शन मांगा, उनका फर्स्ट ओवरव्यू क्या है पेपर देने के बाद। तो प्यारे बच्चों, जो ओवरऑल जो मुझे रिव्यू मिला है वो थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं मिला है। बच्चों का क्या कहना वो मैं आपको बता दूँ, बट बच्चों का जो ओवरऑल जो समरी टाइप अगर मैं कवर अप करूँ तो वो ये है कि आज का पेपर इजी बिल्कुल नहीं था। पेपर आज का बच्चों का मानना है कि मॉडरेट या फिर मॉडरेट से थोड़ा सा ज़्यादा लेवल का ही पूछा गया, जो कि मैं आपको बार बार बोलते आ रहा था कि साइंस का पेपर यूजुअली मॉडरेट के आसपास का लेवल का सीबीएसई के लास्ट कुछ ईयर से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आई नो कि काफ़ी सारे बच्चों का आज का पेपर एक्सपेक्टेशन के अनुसार उतना अच्छा नहीं गया होगा, बट प्यारे बच्चों आपको टेंशन नहीं लेना है। आज का पेपर का जो लेवल था वो अच्छा लेवल का पेपर पूछा गया। सेक्शन ए जो एमसीक्यूज था उसके अंदर बच्चे को कुछ कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम फेस करने को मिला। आई नो कुछ क्वेश्चन इजी था, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो चैलेंजिंग थे। एसर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बच्चे को थोड़ा सा परेशान किया, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा न्यू है, बच्चे को डेफिनेटली उस पर प्रॉब्लम हुआ है। 2 मार्क्स 3 मार्क्स में भी कुछ कुछ क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी थे और अच्छे लेवल के थे। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में एज सच बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट स्टिल और जो उसके बाद जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था वो भी अच्छा खासा यानी मॉडरेट लेवल के आसपास पूछा गया। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि अगर आपका पेपर अच्छा गया है तब तो बहुत बहुत अच्छी बात है, बट इन केस अगर आपका पेपर उतना अच्छा नहीं गया, एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं गया, तो आपको टेंशन नहीं लेना है प्यारे बच्चों, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा था। तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका मार्क्स हो सकता है कि उस एक्सपेक्टेशन के अनुसार ना आए, बट यस, सीबीएसई इस बात का दिमाग में रखता है कि जो पेपर का लेवल अच्छा आता है उसका कॉपी को लीनियंट तरीके से चेक किया जाता है। ओके, सो दोस्तों, यस, आज का पेपर अच्छा था, मॉडरेट से थोड़ा सा अप बोली या मॉडरेट के आसपास का लेवल का था, एंड पेपर ठीक ठाक था, थोड़ा चैलेंजिंग भी था, इंग्लिश की तरह तो बिल्कुल भी नहीं था। सो दोस्तों, ये था हमारा साइंस का ओवरऑल पेपर। आई नो आपको ख़राब लग रहा होगा, जितना आपको उतना मुझे भी लग रहा है, बट डोंट वरी प्यारे बच्चों, अब जो आगे का पेपर आने वाला है मैथ्स का, एसएसटी का, ये सारा पेपर आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का ही पूछा जाता है। साइंस का पेपर का लेवल थोड़ा सा सीबीएसई मेंटेन करता है। ओके, तो पहली बात, जो बच्चों का सेट अगर इजी आया हो या पेपर अच्छा गया हो तो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, पर जिनका अच्छा ना गया हो कोई भी कारण की वजह से उनको टेंशन नहीं लेना है। आगे संस्कृत है, मैथ्स से एसएसटी वगैरह है, हिंदी वगैरह, ये सब पे आपको फोकस करना है, एंड आगे का कोई भी पेपर आपका मॉडरेट या फिर उससे ज़्यादा लेवल का नहीं आने वाला, इजी टू मॉडरेट लेवल का आगे का सारा पेपर आने वाला है। ओके, तो दोस्तों यही था हमारा साइंस का ओवरऑल एनालिसिस। आपका पेपर कैसा गया सेट वाइज कोड वाइज प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि जो बच्चों से मैंने पूछा उनका तो रिव्यू यही था। हो सकता है आपका सेट डिफरेंट हो, तो प्लीज़ सेट के साथ कोड के साथ आपका पेपर आपको किस लेवल का लगा वो बता दीजिए, कमेंट सेक्शन से आपको एक्चुअल रिव्यू पता चल जाएगा। और प्यारे बच्चों, अब हमारे चैनल पे मैथ्स का, संस्कृत का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो आने वाला है, सो वो देखिएगा, वो जरूर आपके एग्जाम में लड़ेगा, और जो हमने क्वेश्चन बताया था साइंस में उससे काफ़ी क्वेश्चन डिट्टो आपका साइंस के पेपर में छप के आया था। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।